हाय फ्रेंड्स, मैं वहीदा और वेलकम टू माय चैनल वहीदा बिलिमोरिया। आज हम क्लास थ्री का लेसन शेप्स एंड डिजाइन्स आगे चलाएंगे। इस लेसन में हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी एक वीडियो किया था जिसमें हमने बच्चों को डिफरेंट शेप्स के बारे में बताया था, कैसे हमने सेकंड स्टैंडर्ड में जो देखा था उसके बेस पे हमने कलर्स किए, डिफरेंट शेप्स में अलग अलग कलर्स किए और बेसिक आइडिया बच्चों को मिला है। अब हम यही बुक को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम आज बच्चों को कुछ नया कंसेप्ट सिखाएंगे। हम घर के ही कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उन्हें एजेस क्या है ये बताएंगे, उन्हें कॉर्नर्स क्या है ये बताएंगे और साथ में उन्हें बताएंगे स्ट्रेट एजेस क्या होती है, कर्व्ड एजेस क्या होती है, जिससे घर की चीजों को वो देखकर पहचान सके। उन्हें कोई ज्योमेट्रिकल चीजें तो चाहिए नहीं, तो घर की चीजों को देखकर भी वो पहचान सके कि किस तरह से मैथ्स में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम लोग 10 ट्रम्स करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपकी टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे 2 10 ग्राम के फिगर्स दिए गए हैं, उन्हें पहले आप सीजर से कट कर लीजिएगा। पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को हेल्प कीजिएगा और उसके बाद हम उन 10 ग्राम्स के फिगर्स को अपने एक दिए गए फिगर पे लगाकर देखेंगे कि किस तरह से आप ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर इसकी मदद से नए फिगर्स बना सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा बच्चों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सफर शेप्स एंड डिजाइन से। हाय फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 63 से। आज हम देखेंगे एजेस किसे कहते हैं और कॉर्नर्स किसे कहते हैं। इससे पहले हम एक गेम खेलेंगे जो मीता और उसके 5 फ्रेंड्स ने खेली थी। ये है मीता फ्रेंड्स और ये है इसके 5 फ्रेंड्स। अब टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड, ये टिंकू जो है इसकी आंखों पे पट्टी डाली गई है एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग, सो उसको क्लैप करने को कहा गया है जब तक वो विश करता है। एंड जब वो क्लैप करता है, ये दूसरे बच्चों को ये जो पर्टिकुलर टेबल है इसके अराउंड घूमना है, बस इन्हें घूमना है घूमना है जब तक कि जब तक टिंकू जो है वो स्टॉप क्लैपिंग नहीं करता। अब एक बार टिंकू ने क्लैपिंग स्टार्ट कर दी और ये बच्चों ने घूमना शुरू कर दिया। टिंकू को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्योंकि वो तो ब्लाइंड फोल्डेड है, उसे पता नहीं उसका कौन सा फ्रेंड जो है वो कहां पे है। लेकिन ये गेम में एक कैच है फ्रेंड्स, यहां पे एक कंडीशन ये है कि जब टिंकू क्लैपिंग करना बंद कर दे तब ये फ्रेंड्स सारे जो है इन्हें किसी ना किसी कॉर्नर के पास होना चाहिए। कॉर्नर यानी ये सो ये जो पार्ट्स है यहां पे इन्हें होना चाहिए। अब ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है फ्रेंड्स कि अगर एक टेबल में 4 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4, तो ये 5 फ्रेंड्स तो वो कॉर्नर पे हो नहीं सकते। तो इसका मतलब ये कि एक कोई भी फ्रेंड है जो कहीं भी बीच में होगा लेकिन कॉर्नर पे नहीं होगा, और जो वो फ्रेंड होगा जो कहीं बीच में हो फिर उससे उसे ही ब्लाइंड फोल्ड होके यहां पे टिंकू की जगह पे आना होगा। सो टिंकू ने जब ये गेम स्टार्ट की तो वो बच्चे घूमते गए और फिर एंड में गुड्डू जो है वो टेबल के बीच में रह गया और बाकी के 4 बच्चे कॉर्नर्स के पास आ गए। छोटू और बंटी आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉर्नर्स के पास है, जबकि मीता और राजा कॉर्नर के पास नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से कॉर्नर्स को सिक्योर कर लिया है, यानी अब वो कॉर्नर्स पे हो वैसे ही माना जाएगा। अब आपको इन क्वेश्चंस को देखना है और इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव, यानी आपको ये पिक्चर देखना है, कैन यू टेल हु इज आउट, तो कौन आउट हो गया है। आउट वही बच्चा होगा जो कॉर्नर पे नहीं है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कॉर्नर पे जो बच्चा नहीं है वो है गुड्डू, सो वी विल राइट गुड्डू।
Where is Guddu standing? Guddu is standing in the middle of the table, not at a corner. Corner पे नहीं है Guddu. Can this game be played around a round table? ये possible है friends कि game round table के around खेली जाए. Round table तो कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी होगी. तो इसके अराउंड अगर ये बच्चे रहेंगे तो कॉर्नर्स तो है ही नहीं. तो ये गेम अगर बच्चे खेलना चाहे तो राउंड टेबल के अराउंड नहीं खेल सकते. तो यहां पे हमारा आंसर होगा नो, दिस गेम कैन नॉट बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल बिकॉज इट हैज नो कॉर्नर. अब हम दूसरा कंसेप्ट देखेंगे फ्रेंड्स, जो है स्ट्रेट एजेस और कॉर्नर्स का कंसेप्ट. जो चीज हम सबसे पहले देखने वाले हैं वो है एजेस का कंसेप्ट. एजेस यानी किसी भी चीज की साइड. लेकिन इस लेसन में हम साइड वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम उसकी जगह पे एजेस वर्ड ही यूज करेंगे. जैसे कि ये एक बुक है, ये बुक में जो ये साइड है इसे हम कहेंगे एज. इसी तरह जो ये साइड है ये भी हमारा एज हुआ. तो ये हो गया हमारा एज. आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो एज है वो स्ट्रेट है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह है. तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट एज. अब दूसरा अगर हम फिगर देखें तो इस तरह का अगर कोई फिगर हो तो ये हो गई हमारी एज, ये हो गई एज, ये भी एज है, ये भी एज है. तो ये एजेस है और ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये है हमारी स्ट्रेट एज. इसी तरह एक चेयर लेंगे तो चेयर में ये स्ट्रेट एज है, ये स्ट्रेट एज है. अगर काइट लेते हैं तो काइट भी आप देख सकते हैं कि ये वन एज, टू एज, थ्री एज, फोर एज, ये भी एक एज है. तो ये सारी हो गई हमारी स्ट्रेट एज. लेकिन जरूरी नहीं फ्रेंड्स के एज स्ट्रेट ही हो. जैसे मैंने आपको ये बताया, ये इमेजिन करिए जैसे कि नेक्स्ट पेज पे आपको व्हील बताया गया है, ये वैसा ही एक राउंड है. तो इसकी जो एज है, एज तो है लेकिन ये एज स्ट्रेट नहीं है, ये एज कर्व्ड एज है. इसे हम कर्व्ड एज कहेंगे. और कर्व्ड एज में कॉर्नर्स नहीं होते. कॉर्नर्स आपको स्ट्रेट एज में मिलेंगे. जैसे कि मैं आपको फिर से ये बताऊं, अगर ये जो है ये जो पार्ट्स है ये हमारे कॉर्नर्स है. ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये सारे हमारे कॉर्नर्स हैं. तो पेज नंबर 64 पे आपको जैसे मैंने बताया एक व्हील बताया गया है जिसकी ये राउंड एज है. ये एक डिश है जिसकी भी राउंड एज है. ये आप डिश समझ सकते हैं या किसी किसी चीज का कैप समझ सकते हैं. अब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस. इसमें आपको एक ऐसा फिगर नहीं बताना है जिसके दोनों कर्व्ड और स्ट्रेट एज हो. आपको स्ट्रेट वाला अलग बताना है और कर्व्ड वाला अलग बताना है. तो अगर मैं इस फिगर में लिखूं तो मेरा स्ट्रेट एज जो है उसमें मैं पेपर ले सकती हूं, डस्टर ले सकती हूं. और अगर मैं कर्व्ड एज देखूं तो मैं व्हील ले सकती हूं, कैप ले सकती हूं. ये कैप जो है ये बॉटल का कैप है, ये कैप पहनने वाली कैप नहीं है. सो हम इसे बॉटल कैप ही लिखेंगे, हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे. इसके बाद डू दिस थिंग्स विथ स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स. अभी मैं फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि अगर ये स्ट्रेट एजेस वाला फिगर है तो इसमें कॉर्नर्स होंगे. हाँ बिल्कुल होंगे. तो यहां पे हमारा आंसर होगा येस. डू द थिंग्स विथ कर्व्ड एज हैव कॉर्नर्स.
वो ये फिगर है। कर्व्ड एज में कॉर्नर है तो नहीं है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आंसर होगा नो। अब आपको ऐसा फिगर बताना है, ट्राई टू फाइंड थिंग्स दैट हैव बोथ, उनके पास दोनों होना चाहिए, स्ट्रेट और कर्व्ड एज दोनों होगा। तो आप फ्रेंड्स पेंसिल देखिए, पेंसिल जो होती है वो यहां से स्ट्रेट एज होती है और यहां से कर्व्ड एज होती है। उसके बाद आप एक हॉकी स्टिक देखिए, वो भी इसी तरह से दोनों चीज होती है उसमें। अब फ्रेंड्स इसके नीचे की जो एक्सरसाइज है, जो एक्टिविटी टाइम पेज नंबर 64 पे है, उसके लिए हमें इस तरह की एक रेक्टेंगल शीट चाहिएगी। इस रेक्टेंगल शीट पे आप अपनी टेक्स्ट बुक्स खुली रखें फ्रेंड्स, पेज नंबर 64 पे एक्टिविटी टाइम। टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर जो हमने लिया, अब उसके जो कॉर्नर्स है उसे आपको काउंट करना है। तो कॉर्नर्स है 1, 2, 3 एंड 4। अब हमारे पास 4 कॉर्नर्स का रेक्टेंगुलर शीट है, तो हम वहां पे लिखेंगे आंसर 2 के सामने हम लिखेंगे 4। नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर, तो आपको कहा गया है एक कॉर्नर को आप इस तरह से फोल्ड कीजिए। तो अगर मैंने फोल्ड किया, अब आपको रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर के कॉर्नर्स काउंट करने हैं, तो आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। ये क्योंकि अंदर है इसके लिए हम इसे काउंट नहीं करते, तो ये हो गया हमारे पास 5। अब इसके बाद कहा है हाउ मेनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग 2 कॉर्नर्स, अब आपको 2 कॉर्नर फोल्ड करनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, हमारे पास 6 कॉर्नर्स हो गई। इसी तरह अगर 3 कॉर्नर्स फोल्ड कर दूं तो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अगर 4 कॉर्नर्स फोल्ड कर दूं तो हमारे पास हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये जो हमें कहा गया है ये हमें इसके सामने आंसर्स लिख देने हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर सी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सी में भी आपको एक रेक्टेंगुलर पेपर ही लेना है। मैंने इस तरह से एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया है और कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट इट हैज ओनली 3 कॉर्नर्स। हाँ बिल्कुल हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। हमने इस तरह से इसे फोल्ड किया 1 और ये 2 में हमने इसे फोल्ड कर दिया। यू आर अलाउड टू मेक ओनली 2 फोल्ड्स। मैंने एक फोल्ड इस तरफ से किया ऐसे और एक फोल्ड ऐसे किया। वॉट इज द शेप यू गेट फ्रेंड्स, आपको कौन सा शेप मिला? आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, सो यू विल गेट अ ट्रायंगल। अब आपका होमवर्क ये होगा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है यही एक्टिविटी आपको एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर के साथ करनी है, तो वो आप करके मुझे जरूर बताइएगा कि इसमें आपको आंसर क्या मिला। अब फ्रेंड्स आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके ये आंसर देख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकली अभी करके देखा है। कॉर्नर्स स्टार्टिंग में 4 थे, एक अगर आप एक कॉर्नर को मोड़ते हैं तो 5 कॉर्नर्स मिलते हैं और 2 कॉर्नर को मोड़ते हैं तो 6, 7, 8। और जब हम पेपर को 2 साइड से फोल्ड करते हैं तो वी गेट अ ट्रायंगल। पेज नंबर 65 पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 5th one, कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर शीट इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ये चीज आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आपको स्क्वायर को फोल्ड तो करना है लेकिन कॉर्नर्स 4 के 4 ही रहने चाहिए। पहला है मेथड इस तरह से और इस तरह से, हमने फोल्ड किया और हमें 1, 2, 3, 4 4 कॉर्नर्स वाला स्क्वायर ही मिला। दूसरे मेथड है ये 1, 2, 3
और फोर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये भी एक स्क्वायर ही बना। हमने इसे मोड़ा क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कि आप कितनी बार पेपर को फोल्ड कर सकते हैं, तो हमने पहले फर्स्ट टाइम 2 बार पेपर को फोल्ड किया और इस टाइम हमने 4 बार फोल्ड किया, लेकिन हमें फिर भी स्क्वायर ही मिला जो 4 कॉर्नर्स वाला फिगर है। अब फ्रेंड्स आपको नेम द थिंग्स, ये थोड़ी कुछ चीजें बताई गई हैं और इसमें आपको देखकर बताना है कि इसमें कॉर्नर्स है, अगर है तो उसमें एजेस कितनी हैं और उसमें कॉर्नर्स कितनी हैं। फिर तो हमारा पहला जो है वो है एक डाई। डाई एक क्यूब होता है, इस तरह का एक क्यूबिकल फिगर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि नंबर्स होते हैं 1, उसके नीचे 5, ऐसा एक पैटर्न होती है नंबर की जो क्यूब में होता है। जैसे कि अभी मैंने ये वुडन क्यूब अरेंज की है, इस पे नंबर होते हैं 1, इधर नंबर होगा 5, इधर नंबर होगा 6, ऐसे नंबर्स हर एक साइड पे होते हैं। ये 6-साइडेड फिगर होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6-साइडेड फिगर होता है, ये है क्यूब। और अगर क्यूब पे नंबर्स हो तो वो होता है एक डाई। तो पूछा गया है कि क्या इसके कॉर्नर्स है, तो बिल्कुल है इसके कॉर्नर्स 1, 2, देखिए यहां पे 1, 2, 3 और 4, और जब आप इसे पलट देंगे तो फिर से 5, 6, 7, 8, तो इसके कॉर्नर्स कितने होंगे फ्रेंड्स 8। अब इसमें पूछा गया है कि इसकी एजेस कितनी, एजेस यानी ये जो है, ये जो होता है ये फेस होता है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस, ये फेस और ये फेस। जब दो फेसेस एक दूसरे को मिलते हैं तो जो जगह पे वो मिलते हैं वो होती है एज। इसी तरह ये फेस और ये फेस जब मिलते हैं तो ये जो बनी वो एज। तो आपको पूछा गया है कि एक डाइस में कितनी एज है, तो पहले हम ऊपर की गिनेंगे। सो ये 1, 2, 3, 4, फिर हम नीचे की गिनेंगे 5, 6, 7, 8, और फिर हम ये जो वर्टिकल थी वो गिनेंगे 9, 10, 11 और 12। अब फ्रेंड्स ये चाहे एक क्यूब हो, यानी कि एक डाई, क्यूब पे जब नंबर हो तो उसे डाई कहते हैं, तो ये एक क्यूब हो या फिर ये एक क्यूबॉइड हो, जो आपको इरेजर के फॉर्म में पूछा गया है, क्यूबॉइड हो, इसका आंसर सेम ही रहेगा। इसमें कॉर्नर्स होंगे, एजेस इनकी 12 रहेगी और कॉर्नर्स इनके 8 रहेंगे। ये कॉर्नर्स रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स ये हमें पता चल गया कि डाइस में 12 एजेस है, 8 कॉर्नर्स, इरेसर में भी यस, यहां पे 12 और यहां पे 8 है। अब आई बॉल की टर्न। बॉल आप देख सकते हैं कि ये जो बॉल है इसकी कर्व्ड एज है और इसमें कोई कॉर्नर नहीं। कॉर्नर्स यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो नोकीला भाग, जो पॉइंटेड पार्ट होता है वो, तो बॉल में कोई नोकीला पार्ट नहीं है। और सेम चीज हम एग में भी देख सकते हैं, जो आपको पूछा गया है एग, तो एग में भी कोई नोकीला पार्ट कहीं है नहीं, तो यहां पे भी आएगा आंसर नो। लास्ट जो चीज हमें देखनी है फ्रेंड्स वो है शीट ऑफ पेपर। तो ये वही शीट ऑफ पेपर है जिसपे ऑलरेडी हमने स्क्वायर में फोल्ड लगाए थे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है शीट ऑफ पेपर में कॉर्नर्स हैं 1, 2, 3, 4, तो यस, इसकी एजेस कितनी है? यहां पे एजेस का मतलब है ये 1, 2, 3 और 4। सो इसका आंसर हम लिखेंगे, बॉल में आंसर आएगा नो, यहां पे कुछ नहीं, एग में आंसर आएगा नो, यहां पे कुछ नहीं, शीट में आंसर आएगा यस, उसकी 4 एजेस होगी और 4 कॉर्नर्स। अब इसके बाद
नीचे का जो एक्सरसाइज का पार्ट है वो देखते हैं, जिसमें उन्होंने पूछा है हमें कि इन द फॉलोइंग फिगर्स टिक राइट अगेंस्ट दोज विच हैव कॉर्नर्स, डू दिस फिगर्स हैव कर्व्ड लाइंस या। अब इसमें दो क्वेश्चंस है, पहला है कि किसमें कॉर्नर्स हैं, इसमें ये कॉर्नर्स हैं आप देख सकते हैं तो यस, इसमें कोई कॉर्नर्स नहीं है आप देख सकते हैं, कोई नुकीला पार्ट नहीं है तो नो, इसमें क्योंकि स्क्वायर है हमने अभी यहीं पे किया है, स्क्वायर या रेक्टेंगल दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, तो इसमें कॉर्नर्स हैं आप देख सकते हैं तो यस, इसमें कॉर्नर्स हैं। दो, इसकी एजेस स्ट्रेट नहीं है तो क्या हो गया, कॉर्नर्स तो है तो यस, इसमें भी आप देख सकते हैं कॉर्नर्स हैं तो यस, इसमें ये एक एग के शेप का है कोई कॉर्नर नहीं, ये एक रिंग है कोई कॉर्नर नहीं। अब पूछा है डू दिस फिगर्स हैव कर्व्ड लाइंस, इसमें कर्व्ड लाइन है, यस दिस इज अ कर्व्ड लाइन, सी दिस इज अ कर्व्ड लाइन, दिस इज अ कर्व्ड लाइन, दिस इज अ कर्व्ड लाइन, दिस इज अ कर्व्ड लाइन। तो कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिनमें कर्व्ड लाइंस भी होती है और कॉर्नर्स भी होती है, तो ये इस एक्सरसाइज का। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका ये पेज का है, यूज ओनली स्ट्रेट लाइन्स, कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज नो कॉर्नर्स, नो इट इज नॉट पॉसिबल। स्ट्रेट लाइन से जब भी हम दो स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करेंगे, या इस तरह हो या फिर इस तरह हो या फिर इस तरह हो, जब दो स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करेंगे तो कॉर्नर्स मिलेगी ही मिलेगी, तो इसमें आंसर आएगा नो वी कैन नॉट ड्रॉ अ फिगर विच हैज नो कॉर्नर्स, विच कैन वी कैन नॉट ड्रॉ अ फिगर, यहां पर हमने लिखना चाहिए था विथ स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करने पर हमें कॉर्नर्स ना मिले ऐसा कोई फिगर नहीं है। फ्रेंड्स पेज नंबर 66 पे हम फर्स्ट टाइम एक कंसेप्ट है 10 ग्राम, उसका कंसेप्ट देखेंगे। ये एक 10 ग्राम है जो आपको सेम पीछे लास्ट पेज पे दिया गया है टेक्स्ट बुक का, आपको अपने पेरेंट्स की मदद से इसे कट करना है और इसे कट करके ये कुछ इस तरह दिखेगा। हम अभी ही देख लेते हैं ताकि पीछे ये आंसर्स आएंगे ही कि इसमें 1, 2 और 3 ट्राइंगल्स है, क्योंकि इनकी तीन साइड है 1, 2 और 3। ये जो दो ट्राइंगल है ये स्मॉल ट्राइंगल्स है और ये बिग ट्राइंगल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, सेम ट्राइंगल्स है, लेकिन ये छोटे हैं और ये बड़ा है। एक स्क्वायर है फिगर और ये फिगर जो है हमारे लिए नया है, इसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेलल है, देखिए ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड की पैरेलल है, इस फिगर का नाम है पैरेललोग्राम। आपको करना क्या है कि आपको इस तरह से फिगर को डिसमेंटल करके अब ज्वाइन करके ये दिया गया फिगर बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पे 5 और एक पे 2 रखा है, आप चाहें तो आप इधर 2 और इधर 5 रख सकते हैं। ये हमारा पहला फिगर हो गया। फ्रेंड्स इसे हम अगर गेम की तरह खेलेंगे, क्योंकि ये चाइनीज पजल ही है जिसमें आपको पीसेस को ज्वाइन करना है, तो बहुत मजा आएगा। अगर हमने पहले नोक देखी तो हमने सोचा यहीं पे ट्रायंगल रख देते हैं तो शायद ना भी आए, तो इसे मिक्स एंड मैच करके टर्न करके अगर हम करेंगे तो बहुत मजा आएगा फ्रेंड्स।
अब हम सेकंड फिगर देखते हैं। ये हमारा सेकंड फिगर बन गया फ्रेंड्स। अब हम ये फिगर देखते हैं। थर्ड फिगर फ्रेंड्स, इस तरह से ये हो गया हमारा फोर्थ फिगर। अब पेज नंबर 67 देखते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट? तो हमारे पास कितने ट्राइंगल है, ये पहले का आंसर है। वी हैव 3 ट्राइंगल्स इन अवर सेट। आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज? नो, टू आर इक्वल नंबर 2 and 5। ये दो ही इक्वल है तो हमने लिख दिया। यूज द 2 स्मॉल ट्राइंगल्स इन द 10 ग्राम। ये दो को ही यूज करना है और उसे अब 2 ट्राइंगल को यूज करके आपको बनाना है पहला स्क्वायर। सिंपल, आपने स्क्वायर बना दिया। अब आपको ट्रायंगल बनाना है। ये ट्रायंगल बन गया हमारा। अब इसके बाद आपको बनाना है ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। सो ये पैरेललोग्राम। सो इस तरह से फिगर बनाना है। जहां पे मैंने 5 रखा है आप 2 रख सकते हैं क्योंकि 2 और 5 सेम है। Which 2 pieces of the 10 gram set are exactly the same? Number 2 and 5. Take pieces 4, 5. अब आपको 4 और 5 लेना है। ये 2 पीस लेने हैं और इससे कुछ करना है। और from the set and find out on which side of the triangle you can join the other piece. ये triangle है, इसमें आप इसे कहाँ join कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए, ट्रायंगल का जो बेस है उसमें आप ये पार्ट, ट्रायंगल के बेस में कुछ नहीं ज्वाइन हो सकता लेकिन ट्रायंगल के इस साइड पे ये ज्वाइंट हो सकता है। इस तरह से आप ये साइड पे भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। Find matching sides among the following pairs 1 or 2. अब आपको 1 और 2 को मैच करना है, इसी तरह से करना है जो हमने पहले किया था। आप देख सकते हैं कि ये ही ये साइड मैच होगी क्योंकि ये साइड बड़ी साइड है, इसकी साइड इतनी बड़ी नहीं है। वो उस साइड पे भी मैच होगा और इस साइड पे भी। जैसे हमने 1 और 2 किया है, आप 1 और 5 जो क्वेश्चन सी में है वो भी इसी तरह कर सकते हैं। देखिए, अब 2 और 4 करना है जो ऑलरेडी हमने पहले दिखा चुकी हूं मैं आपको।
टू और फोर, हमने फोर और फाइव किया था, सेम उसी तरह टू और फोर भी हो सकता है। आप इस साइड पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस साइड पे ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों साइड पे इनके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे अगर ज्वाइन करना चाहे तो ये साइड ज्वाइन होगी, फोर फाइव में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमें ये 10 ग्राम करना है, ये 7 पीस 10 ग्राम है। जो आगे किया था वो हमारा 5 पीस 10 ग्राम था, ये 7 पीस 10 ग्राम है। और इससे ये भी 10 ग्राम आपको लास्ट पेज पे दिया गया है, इसी को यूज करके मैंने ये जो है 7 पीसेस को कट कर लिया है। आप भी फ्रेंड्स इसी तरह अपने पेरेंट्स की मदद से सीजर से इसे कट कर लीजिए। इस 10 ग्राम में जो 7 पीस 10 ग्राम है, इसमें हमारे पास 5 ट्राइंगल्स है, 1 2 3 4 5, और हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और एक स्क्वायर है। फर्स्ट फिगर मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, अब हम चलते हैं फिगर नंबर 2 पर। ये हो गया हमारा सेकंड फिगर। अब इसमें जो कहा गया है, इसके नीचे जो है ये फिगर में आपसे कहा गया है कि नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स बाय यूजिंग ओनली ट्राइंगल्स। अब हमारे पास ट्राइंगल्स 5 है, तो मैं ये फिगर करके आपको बताती हूँ। ये हो गया हमारा फिगर जिसमें एक ट्राइंगल अभी हमारा बच गया है, लेकिन इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यूज पीसेस, अब इसमें ऑलरेडी कहा गया है कि आपको यूज पीसेस 1 2 3 एंड 5 ओनली, अब इसमें यही पीसेस यूज करके बनाना है आपको, कि हमें इसमें सिर्फ 1 2 3 और 5 यूज करना है। हम इस तरह से इसे यूज करेंगे। इस और इसके नीचे के फिगर में आपको यूज करना है यूज ओनली 2 ट्राइंगल्स, तो मैंने 6 और 7 यूज किया है। अब इसमें 1 2 3 4 और 5 यूज करना है, तो ये मैं आपको करके बताती हूँ। ये फ्रेंड्स लास्ट फिगर है जिसमें हमें 1 2 3 4 और 5 को यूज करना है। 1 3 और 5 इंटरचेंज करके आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 लगा सकते हैं, और 2 और 4। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 2 ट्राइंगल्स का यूज करके आप स्क्वायर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने 10 ग्राम्स किस तरह से यूज करना वो सीखा, जो एक चाइनीज पजल है जिसमें कभी 5 पार्ट्स होते हैं और कभी 7 पार्ट्स, जो फिलहाल हमने सीखे हैं। इसके पहले जो था वो हमने चैप्टर में सीखा कि किस तरह से आप एजिस और पेपर्स की मदद से आप स्ट्रेट एज किसे कहते हैं, कॉर्नर्स किसे कहते हैं, वो ढूंढ सके। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी आपकी तरह लर्निंग में मजा आए। और हम इसके बाद पार्ट 3 करेंगे जो इस चैप्टर का है। जब मैं पार्ट 3 कराऊं तो आप प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 रिफर करके आइए, ताकि आपको मजा आए और समझने में ज्यादा आसानी हो सके। तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिए। फ्रेंड्स जब पिछली बार मैंने 3rd स्टैंडर्ड का ये वीडियो डाला था, तब मुझे हैरानी हो गई ये जानकर के विद इन नो टाइम इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा था और कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया था। आई होप आज का वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आए, और इसलिए आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी से मुझे हिम्मत मिलती है और मैं कुछ और बच्चों के लिए नया करना चाहती हूँ। इसके बाद प्लीज वो जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।